एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक, आपको एनसीईआरटी बुक के आधारित पर क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 7 का है और चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिएंट्स, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। इससे पहले हम सभी ने सब्जेक्टिव देख लिया है जैसे आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी के फॉर्म में, और उसके बाद सॉल्यूशन भी देख लिया है। वहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन अभी जो देखने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रिएंट्स, इसमें से न्यूट्रिएंट्स कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर बी फैट है, ऑप्शन नंबर सी विटामिन है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज है। जाहिर सी बात है प्रोटीन फैट एंड विटामिन ये ऑल ऑफ दीज ही आपको आंसर होगा, न्यूट्रिएंट्स है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ह्यूमन बींग कैन बी कैटेगराइज एज, ह्यूमन बींग बांटा गया है ऑप्शन नंबर ए हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर बी ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी पैरासाइट, ऑप्शन नंबर डी सैप्रोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हेटरोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन द प्लांट इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी फोटोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी कीमोसिंथेसिस। भोजन बनाने के प्रोसेस प्लांट में क्या बोलते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर ए फ्रूट, ऑप्शन नंबर बी सीड्स, ऑप्शन नंबर सी लीव्स, ऑप्शन नंबर डी फ्लावर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पत्ता क्या है, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड, फोर्थ देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज अकर, छोटा सा क्षेत्र पत्ते पे मौजूद रहता है जिसे गैस एक्सचेंज होता है, उसे क्या बोलते हैं, कौन सा प्रोसेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए एस्टोमेटा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी गार्ड सेल बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी फूड होल्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी गैस होल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एस्टोमेटा बोलते हैं। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का ये नाम है टू लर्न, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अल्टीमेट सोर्स ऑफ सभी ऑर्गेनिज्म के लिए अल्टीमेट सोर्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाटर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी केमिकल एनर्जी। सन एनर्जी सभी जीव के लिए बहुत ही प्रमुख है, इसलिए सन एनर्जी आपको सोलर एनर्जी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड हेमोग्लोबिन, बी ग्लोबुलिन, सी एल्ब्यूमिन, डी क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट रहता है लीफ में उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बी टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, सी टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट नॉट रिलीज ऑक्सीजन, डी टेक ऑक्सीजन बट नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, डी बायो एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर ए CO2, ऑप्शन नंबर बी CO2O2H2, ऑप्शन नंबर सी N2 वाटर, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रॉ मटेरियल आपका ए है CO2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फूड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट वाटर वेपर्स, ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका इंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका
कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which one of the following is a parasite? Option number A, lichen. Option number B, cascuta. Option number C, fisher plant. Option number D, rhizobium. Option number B is the right answer. आपका cascuta क्या है? Parasite है। अगला question, Which of the following class of organism belong to the saprophyte? इसमें से कौन सा saprophyte से आपका इंक्लूड है? ऑप्शन नंबर ए फंजाई, ऑप्शन नंबर बी एल्गी, ऑप्शन नंबर सी लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी ब्रायोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम लोग ब्रेड पे देखते हैं जो फंजाई जम जाते हैं, आपको ये प्रोसेस सेप्रोट्रोप से भी इससे पहले हम लोगों ने आउटलाइन में देख चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म से कौन सा इंक्लूड है? ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर बी राइजोबियम एंड लीगम, ऑप्शन नंबर सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी बोथ ऑफ बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दोनों सिम्बायोटिक है, लाइकेन एंड राइजोबियम एंड लीगम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस? ऑप्शन नंबर ए फीचर प्लांट, ऑप्शन नंबर बी इंडियन टेलीग्राम प्लांट, ऑप्शन नंबर सी फोर ओ क्लॉक प्लांट, ऑप्शन नंबर डी कस्कुटा प्लांट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फीचर प्लांट। ये इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है फीचर प्लांट। ये आपका मैच ऑफ द फ्लोइंग है आज का। ऑटोट्रॉप्स फंजाई, हेटरोट्रॉप्स लाइकेन एंड पैरासाइट, फीचर प्लांट सेप्रोट्रॉप्स एल्गी, सिम्बायोंट मैन, सिक्स क्या है? इंसेक्टिवोरस कस्कुसर। ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स अपने आप पे जो है डिपेंड रहता है, वो आपको देखिए आंसर इस फॉर्म में आपको लिख दिया, अलगे है ऑटोट्रॉप्स। देखिए कॉलम ए का ऑटोट्रॉप्स अलगे, हेटरोट्रॉप मैनो पैरासाइट कस्कुटा, सेप्रोट्रॉप्स फंजाई, सिम्बायोटिक लाइकेन, इंसेक्टिवोरस फीचर प्लांट क्वेश्चन में भी आया था, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी आ गया। अभी तक मेरे चैनल को लाइक, आज के लिए बस इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस बेल आइकन को आप लोग ऑन कर दें ताकि जैसे मैं अगला वीडियो डालूं तो आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।